वीडियो को मैं ऐसे ही नहीं बनाना चाहती थी, आप लोगों को सारे प्रूफ्स दिखाना चाहती थी। तो कहते ना कि पहाड़ सारे एक साथ टूटते हैं, तो मेरे साथ सेम वही चीज हुई थी। वो लड़की तो यार कंप्लेन तक करने के लिए बोल रही थी, कहती मैं तो कंप्लेन करूंगी लोगों की कंज्यूम। हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एंड ये जो वीडियो है ये आई नो बहुत लेट आ रहा है, इस वीडियो को तभी उस वीडियो के जस्ट बाद आना था, बट उसके बाद मैंने दो तीन दूसरी वीडियोज डाली हैं। आज फाइनली मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि वो वीडियो का पार्ट मैं उसी टाइम पे शूट नहीं कर पाई थी। अगेन यू नो स्टोरेज प्रॉब्लम, एक साथ पे इतना लंबा वीडियो शूट नहीं कर सकते अपने फ़ोन में। सो आज फाइनली मेरे को टाइम मिला है, एक तो बच्चे के साथ में ना मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, स्पेशली YouTube को तो बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती हूँ। ये वीडियो को मैं ऐसे ही नहीं बनाना चाहती थी, आप लोगों को सारे प्रूफ्स दिखाना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगे कि मैं ऐसी कहानियाँ बता रही हूँ। सो आई हैव ऑल द प्रूफ्स, वो साथ ही साथ मैं आपको यहाँ साइड में दिखाते जाऊँगी। अभी जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे पहले आप लोग जाके वो वाला वीडियो देखो, क्योंकि उसमें मैंने इसका एक पार्ट बताया है कि कैसे 3 महीने से मेरे साथ पे क्या हो रहा था, मेरा YouTube बिल्कुल बंद हो गया था, कैसे किसी ने मेरे चैनल को हैक करने की कोशिश की, कैसे रिवेन्यू के साथ में छेड़खानी की। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि सिर्फ मेरे साथ नहीं, ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है। जब YouTube मैंने खोला था उसके रिगार्डिंग वीडियोज देखी थी, तब जाके कॉमेंट सेक्शन में मुझे पता चला था कि मैं अकेली नहीं हूँ जिसके साथ में ये चीज हुई है। तो बहुत लोगों के साथ में ऐसा हो रखा है। और अभी जो दूसरी चीज है वो भी बहुत लोगों के साथ में होती है, वो है स्कैम। स्कैम वो भी कोलैबोरेशन को लेके। अभी लास्ट ईयर से मेरे पास बहुत कोलैबोरेशन आए, टचवुड, थैंक यू भगवान जी। मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि एक दिन के 5-6 मुझे कोलैब्स आते थे, बट ऐसा नहीं है कि मैं सारे कोलैब्स को हाँ करती हूँ, जो कोलैब मुझे सही लगते हैं। बहुत सारे गेमिंग के कोलैबोरेशन भी आते हैं, मैं गेमिंग में मैं मुझे नहीं पता है तो मैं उनको मना कर देती हूँ। मना क्या, मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो वो अपने आप समझ जाते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन जो ब्यूटी से रिलेटेड कोलैब्स आते हैं, जो मुझे लगता है अच्छा ब्रांड है जिसका मैंने नाम सुना है, रिव्यू वगैरह मैं देख लेती हूँ, तो वो कोलैबोरेशन मैं करती हूँ। तो ये जो बात है, ये बात भी काफ़ी पुरानी बात है, मतलब जब वो सब चीज़ें चल रही थी उसी टाइम की ये बात है। तो कहते हैं ना कि पहाड़ सारे एक साथ टूटते हैं, तो मेरे साथ सेम वही चीज़ हुई थी। मतलब उस टाइम पे एक तो वही मेरा YouTube का चक्कर चल रहा था, और साथ ही साथ मेरे साथ कोलैबोरेशन में भी इतना बड़ा स्कैम हुआ ना उस टाइम पर। तो मेरे को ना एक लड़की का मैसेज आता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी, सृष्टि नाम की लड़की का आता है, वो फ्रीक्स आउट एक एप्लीकेशन है, तो उनसे मैंने काफ़ी कोलैबोरेशन किए हैं। हालांकि मेरे पास उनका ऐप नहीं है, पता नहीं मेरे आईफोन में वो होता नहीं है, बार बार बोलता है कि वो आपकी कुछ निजी जानकारी ले रहे हैं इसलिए हम नहीं कर सकते उसको डाउनलोड, तो वो एप्लीकेशन मेरे पास नहीं है। बट मेल्स के थ्रू पता नहीं वो लोग कैसे मुझसे कनेक्ट हो गए, तो अभी काफ़ी मेरे पास वहाँ से कोलैबोरेशन आते हैं। तो मैं फ्रीक्स आउट को कोई बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक इंसिडेंट बता रही हूँ। अब एक बंदे की वजह से मैं पूरे एप्लीकेशन को नहीं बोलूंगी कि बेकार है, बहुत अच्छा है। अभी तक मैंने उनके साथ बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए हैं, मान के चलो कि 80% जो मेरे कोलैबोरेशंस होते हैं वो फ्रीक्स आउट से ही आते हैं। यहाँ दिखा रही हूँ, मेरे को सिस्टी नाम की लड़की का मैसेज आता है, और ब्रांड भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, सभी लोगों ने सुना होगा, वाओ साइंस। वहाँ से मुझे सृष्टि का मैसेज आता है कि आई एम फ्रॉम फ्रीक्स आउट एंड बाओ स्किन साइंस का भी कैंपेन चल रहा है, उसमें ब्ला ब्ला, इसने नंबर्स ऑफ लिस्ट दी थी मुझे प्रोडक्ट्स की, मतलब स्किन केयर प्रोडक्ट आपको कोई मिलेगा इनमें से एक, उसमें बहुत सारे थे, लिप बाम वगैरह, लोशन था, क्रीम वगैरह, आई डोंट रिमेम्बर अभी क्या क्या थे, बट ये सब लिस्ट उसने मुझे दी थी। उसने मुझे बोला था कि डेडिकेटेड वीडियो बनाना है। अभी मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बता देती हूँ, डेडिकेटेड वीडियो क्या होता है। जब हम कोलैबोरेशन करते हैं तो जो ब्रांड होता है वो हमसे दो टाइप की वीडियो होती है, या तो डेडिकेटेड वीडियो मांगता है या इंटीग्रेटेड वीडियो मांगता है। डेडिकेटेड वीडियो में क्या होता है कि जो पूरा आपका वीडियो होगा वो बस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में होगा जिसका आपको प्रमोशन करना है, उसमें पूरी वीडियो में सिर्फ आप उसी प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे। इंटीग्रेटेड वीडियो में क्या होता है, पूरा आपका वीडियो होता है, बाई चांस आपने ब्लॉग बना लिया या अपनी कोई मेकअप की वीडियो बना ली, बस आप उसमें छोटा सा पार्ट उस प्रोडक्ट का डाल देते हो, मतलब उसका प्रमोशन कर देते हो। ज़्यादातर मैंने इंटीग्रेटेड ब्लॉग्स में देखा है कि पूरा ब्लॉग आपका चल रहा है और बीच में आपने छोटा सा एक उसका प्रमोशन डाल दिया, जैसे फेस वॉश करते हुए दिखा दिया उसको कोई फेस वॉश है, तो 1 या 2 मिनट का ही होता है वो इंटीग्रेटेड वीडियो। अभी थर्ड भी आ गई है वैसे कैटेगरी, यूट्यूब शॉर्ट्स। अब शॉर्ट में तो क्या ही आप आधा या पूरा दिखाओगे, उसमें तो पूरा ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट के बारे में ही होता है। वैसे आजकल शॉर्ट्स बहुत डिमांडिंग में है, ज़्यादातर कोलैबोरेशन आजकल मेरे पास शॉर्ट्स के आते हैं। तो उसने मुझे बोला था कि डेडिकेटेड वीडियो है, 3-4 मिनट का आपको वो वीडियो बनाना है, एंड आपको उसके लिए कमर्शियल्स मिलेगा 3000 रुपीज़, मतलब एक वीडियो का मुझे वहाँ पे 3000 रुपये वो दे रहे थे इन रिटर्न में।
उस कोलैबोरेशन के बदले साथ में मुझे प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो पेड कोलैबोरेशन था तो मैंने भी हाँ बोल दी कि चलो यार ब्रांड भी अच्छा है, पेड कोलैबोरेशन भी मिल रहा है, तो ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं था, तो मैंने साथ साथ हाँ कर दी। तो 27 जनवरी को मुझे शाम के टाइम प्रोडक्ट उनका रिसीव होता है, जो कि मुझे रिसीव होता है एक बॉडी लोशन। शाम को मेरे को इसलिए रिसीव होता है क्योंकि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया, ब्लॉग्स में बताया कि मैं जितने भी मेरे पार्सल्स आते हैं मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस में मंगवाती हूँ, क्योंकि कुंजा भी छोटा है और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, नीचे इज नॉट पॉसिबल मेरे लिए कि मैं उसको अकेले छोड़ के नीचे जाऊँ। वो शाम को आते हैं तो मेरे पार्सल्स लेके आ जाते हैं सारे कलेक्ट करके। तो शाम को वो आते हैं तो शाम को मुझे पार्सल रिसीव होता है, और उस लड़की ने मेरे को बोला था कि आपको जब भी पार्सल रिसीव हो जाएगा तो मुझे बता देना। तो 27 को मैं उसको मैसेज करती हूँ कि मुझे आपका प्रोडक्ट मिल गया है, और उसी टाइम पर आपको याद होगा मेरा नेबर था, मैं उसकी शादी अटेंड कर रही थी, जब मैं घर पे जा रही थी ग्रीन ड्रेस मैंने पहना था शादी में, उस टाइम की बात है। तो 27 को उसका रिसेप्शन था और आपको पता होगा उस टाइम पे कितना मैं बिजी हो रखी थी, मतलब मैं दिन में घर आती थी फिर शाम को वहाँ पे जाती थी, फिर आशीष के साथ में घर आती थी, कुंज था मेरे साथ में, मतलब मान के चलो कि मेरा एक पैर मेरे ससुराल में था एक पैर मेरे मायके में, ऐसे हो रखा था उस टाइम पे। तो मेरी इधर उधर भागा दौड़ी चल रही थी, और उसी टाइम पे मेरे को वो मिलता है पार्सल उनका। तो मेरे को लगा चलो ठीक है आराम से मैं कल को दिन में बना दूंगी वीडियो। तो जैसे ही मैं उस लड़की को मैसेज करके बताती हूँ कि मुझे पार्सल आपका रिसीव हो गया है, उसमें लिखा हुआ था क्लियरली कि पार्सल रिसीव होने के 2 से 3 दिन के अंदर आप वीडियो देंगे। लेकिन जब मैं सृष्टि को बताती हूँ कि मुझे पार्सल रिसीव हो गया है तो वो मुझे बोलती है कि कल मॉर्निंग में आपको वीडियो देना है, मतलब आज शाम को मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ और मॉर्निंग में मुझे वीडियो देना है, और साथ ही साथ मुझे आज शुभम की रिसेप्शन में भी जाना है, उससे पहले मुझे तैयार भी होना है, और पता नहीं मैं फिर किस टाइम आऊँगी, 11 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, 1 बज जाएंगे, आई थिंक 1 या 2 ही बज गया था मुझे आने में, और फिर उसके बाद मुझे सुबह तक उसको वीडियो देना है। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैं पहले तो शौक में आ गई कि यार ऐसे कैसे बोल रही है, लेकिन इन लोगों का होता है कि जब भी आप पेड कोलैबोरेशन करते हो ना तो इनके साथ में ना तो इनके जो रेट होते हैं ना वो बहुत हाई रहते हैं उस टाइम पे, फिर ये कैंपेन के नाम पे ना उसको कैंसिल भी कर देते हैं कि अब तो टाइम निकल गया है, अब पेड कोलैबोरेशन खत्म हो गया, बस आप वीडियो बना के डाल दो, अब ये बार्टर कोलैबोरेशन में कन्वर्ट हो गया। बार्टर में क्या होता है कि प्रोडक्ट के बदले आपको वीडियो देनी होती है, बस पैसा कुछ नहीं मिलता है। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी वो कुछ भी बहाना मार के कैंसिल कर दे कि नहीं अब तो कैंपेन खत्म हो गया आपने लेट कर दिया। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है अब यार मेरे को रिसेप्शन में भी जाना है, फिर रात को आगे ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बैठ के वीडियो बना दूंगी, क्योंकि एक ब्रांड की वीडियो होती है तो ब्रांड की वीडियो में क्या है आपको प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, पूरी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, उसके बाद आपको रेडी होना पड़ता है। ऐसे नहीं अभी जैसे मैं बैठ गई हूँ नाइट सूट में बैठी हूँ मैं अभी बाल वाल खोल के अपने, ऐसा भी नहीं है, आपको प्रॉपर उनके अकॉर्डिंग उनकी थीम के अकॉर्डिंग, आपने शायद वो वीडियो अगर देखा होगा वाउ साइंस वाला लोशन वाला वीडियो, तो वो ब्राउन कलर का प्रोडक्ट था, मैं साइड में दिखा दूंगी, और उस पर मैंने ब्राउन ही उन्होंने बोला था कि आपको ऐसा कुछ मतलब प्रोडक्ट से मैच करता कुछ आउटफिट डालना है, बहुत सारी डिमांड्स रहती है उनकी ना, तो भाई स्क्रिप्ट लिखनी है पहले, फिर रेडी भी होना है मुझे उसके लिए, उसके बाद फिर मुझे वीडियो बनाना है, फिर मुझे एडिटिंग भी करनी है, उसके बाद प्रॉपर उसके डिस्क्रिप्शन वो सब वगैरह डाल के फिर उसको पब्लिक भी करना है। तो इस काम के लिए मेरे पास कितना टाइम है, बस रात है, और उसमें से मैं थक हार के पहले रिसेप्शन में से भी आ रही हूँ वापस। मैं गई रिसेप्शन में, पहले मैं तैयार हुई, मैं रिसेप्शन में गई, 1 बजे मैं घर आई, मैंने घर आके कुछ नहीं बस फटाफट मैंने मुंह हाथ धोया, तैयार हुई, मैं स्क्रिप्ट लिखी पूरी की पूरी कि मुझे क्या बोलना है, कॉज एंड पॉन्स पूरा सब चीज मैंने डिटेल्स लिखी उसके बारे में। उसके बाद मैं रात को पूरी रात बैठ के मैं वीडियो बनाती हूँ, सुबह आई जस्ट रिमेम्बर सुबह के मुझे 5 बज जाते हैं एडिटिंग वगैरह खत्म करते करते। अब बात आती है अपलोडिंग की, मैं वीडियो अपलोड पे लगा देती हूँ। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे मेरे घर में वाईफाई नहीं लगा हुआ था, उस टाइम तक नहीं था, तो मेरा जो पूरा नेट था वो खत्म हो गया था, क्योंकि जियो में 1 या 2 GB आपको मैक्सिमम मिलता है, मेरा 2 GB पूरा खत्म हो गया था, वीडियो अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा डाटा लगता है, तो मेरा पूरा नेट खत्म। उसके बाद पता नहीं 6 या 7 बजे की बात थी आई जस्ट रिमेम्बर, फिर मैंने अपने हस्बैंड से लिया, अब हस्बैंड का ऑफिस का टाइम हो रहा था 9 बजे, वो भी निकल गए थे, तब तक भी मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, मैंने आशीष को कॉल करके उनसे रिचार्ज कराया। तो देखो मैंने यहाँ पे भाई पैसे भी खर्च किए अपने, मैंने रिचार्ज कराया अपना काफ़ी बड़ा, मैंने आई थिंक रिचार्ज कराया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कहीं पे भी मेरी वीडियो अटके, सुबह तक मैं 9 या 10 बजे तक उसको नई वीडियो दे पाई तो वो बहाना मार देगी। मैंने फटाफट से अपनी वीडियो पूरी
अपलोड करी, रिचार्ज करा के पूरा उसका यू नो थंबनेल बनाया, यार थंबनेल में बहुत टाइम लगता है, थंबनेल बनाया, डिस्क्रिप्शन डाला, टाइटल डाला, सब चीज़ें प्रॉपर करके मैंने उसको 11 या 12 बज गए थे, मुझे थोड़ा लेट हो गया था, तब भी मैं बहुत डर रही थी कि यार एक घंटा दो घंटा भी अगर लेट हो जाए वो कुछ बोलना दे मेरे को, तो मैंने उसको 11-12 बजे तक उसको वीडियो भेज दी, उसको मैसेज डाल दिया कि मैंने वीडियो डाल दी है, उस अनलिस्टेड वीडियो मैंने उसको दी थी, तो वो चेक कर ले। उसके बाद क्या होता है, ब्रांड आपकी वीडियो को चेक करता है, उसके बाद वो अप्रूव होती है, फिर आप उसको पब्लिक करते हो। ऐसे नहीं है कि बस आप वीडियो बना के डाल दो। उसके बाद वो लड़की मैसेज ही मेरा सीन नहीं करती है, आराम से 2-3 बजे तक उसका मैसेज आता है, मतलब मैं फटाफट करके उसको 10-11 बजे तक वीडियो दे रही हूँ पूरी रात जाग के, और वो बहन जी 2-3 बजे आराम से वीडियो को देख रही है, मतलब तब उसका बहुत हल्का रिएक्शन, कहती हाँ ठीक है मैं भेज देती हूँ मैं बता दूंगी। उसके बाद एक दिन निकल जाता है, उसको कोई मैसेज नहीं आता है, तो मैं भी सोची मैंने कहा शाम को यार छुट्टी वुट्टी हो जाती है तो मैं भी कल तक वो बताया, और सोचे मॉर्निंग में ही अपलोड करना। नेक्स्ट डे भी उसको कोई मैसेज नहीं आता मुझे, 12-1 बज जाते हैं, उसके बाद मैं ही उसको सामने से मैसेज करती हूँ कि भाई चेक किया नहीं की बता दे मेरे को, फिर कहती है हाँ अप्रूव हो गई है आप डाल दो। पता नहीं उसने देखी भी नहीं भी देखी, भेजी किसी को नहीं भेजी, मैंने तो अपनी वीडियो पब्लिक कर दी। उसके बाद मैंने भी उसके कमर्शियल्स का पूछा, पैसे जो मुझे मेरी वीडियो के बदले में मिलने वाले थे उनके बारे में पूछा, तो वो बोलती है कि आपको 6-7 दिन के अंदर अंदर आपके कमर्शियल्स मिल जाएंगे। तो मुझे भी हाँ ठीक है, उसमें लिखा भी हुआ था कि वीडियो अपलोड होने के 5-6 दिन के अंदर आपको आपके कमर्शियल्स मिल जाएंगे। मैंने बोला ओके ठीक है, फिर मैंने उसको एक हफ्ता नहीं छेड़ा। मैंने उसको पूरा 1 वीक बाद मैसेज किया, जब मेरा कमर्शियल नहीं आया मैंने तब उसको फिर से मैसेज किया, मैंने बोला मेरा कमर्शियल कब आएगा। फिर वो बोलती है कि मैं उसका मैसेज दिखा दूंगी साइड में, कुछ इशू चल रहा है हमारा, मतलब उन लोगों ने उस टाइम पे कैंपेन की होगी तो काफ़ी सारे क्रिएटर्स से कराया होगा ये कोलैबोरेशन, बोल रही है किसी की भी नहीं आई अभी और अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ये वो ऐसे ऐसे करके बोल रही, इस महीने में आपकी आ जाएगी ठीक है। उसके बाद अभी देखो ये मैसेज था मेरे को 27 जनवरी को प्रोडक्ट रिसीव हुआ था, अब ये मैसेज है ये 27 फरवरी का है, मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ, 27 फरवरी को पूरे एक महीने बाद फिर मैं उसको टोकती हूँ, मैं एक महीने तक उसको नहीं बोलती हूँ कुछ। मैंने कहा चलो ठीक है यार हो जाता है कभी कभी, मे भी बहुत सारे क्रिएटर्स होंगे तो नहीं हो पाता। उसका फिर मैसेज आता है, कहती है आ जाएगा ऐसे ऐसे करके, मैं तब भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आ जाएगा, 1-2 दिन में क्या पता आने वाला हो। उसके बाद मैं फिर उसको एक महीने बाद, फिर अभी कितने महीने निकल चुके, 2 महीने ऑलरेडी निकल चुके, इतना टाइम नहीं लगता है, 2 महीने हो गए, तो मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोला, मैंने कहा यार इतना टाइम नहीं लगता है कुछ भी हो कब आएंगे मेरे पैसे, उसका कुछ रिप्लाई नहीं आता ठीक है। मैं उसको 2-3 दिन में फिर टोकती रहती थी, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, उसका नंबर ही गायब, उसकी डीपी गायब, जो फ्रीक्स आउट का उसने अपनी डीपी में लोगों का डीपी लगाया हुआ था वो सब वो गायब, नंबर बंद, मैंने कॉल भी किया तो वो मेरे पैसे गए ठीक है। तो ये तो था एक टाइप का फ्रॉड। अब चलो यहाँ पे मैंने ये तसली ले ली, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार गई तो गई, अभी चलो यार मेरे को प्रोडक्ट तो मिला एटलीस्ट ठीक है, मैंने वीडियो बना दी कोई बात नहीं। बट यार आप वो चीज़ सोचो ना, चलो इस चीज़ का मुझे कोई दुख नहीं है, मैंने जो रात को पूरी रात बैठ के वीडियो को शूट किया, मैं इतनी टेंशन में आ गई थी, मैं मतलब भाग के अपने फंक्शन में से घर आई उस वीडियो के लिए, ना मैंने अपना फंक्शन इंजॉय करा, उस चीज़ का क्या मतलब, एक जो आपकी मेंटल हेल्थ इन सब चीज़ों से इफेक्ट होती है ना यार, पैसा भी चलो कोई बात नहीं इतनी कोई बड़ी रकम नहीं थी, बट यार उस चीज़ से जो आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है ना इन सब चीज़ों को लेके, फ्रॉड को लेके, तो वो चीज़ बहुत हर्ट करती है। और चलो मेरे साथ तो कुछ छोटे लेवल पे हुआ है, मतलब मैंने बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स को भी सुना है इतने फ्रॉड होते हैं, इतने स्कैम होते हैं ना कोलैबोरेशन के नाम पे, ऊपर से उनकी इतनी डिमांड्स रहती है ना कोलैबोरेशन वालों की कि ये नहीं करना ऐसे करना है, वो बैकग्राउंड चाहिए, ये ड्रेस चाहिए, इंसान सब चीज़ें इकट्ठी करता है, कहाँ कहाँ से अरेंज करता है, और उसके बाद आपको आपकी मेहनत के भी पैसे नहीं मिलते हैं तो बड़ा दुख सा होता है। और उस टाइम में मतलब वो चीज़ भी मेरे साथ में चल रही थी, साथ में ये एक नया झमेला आ गया, मैं सोची थी चलो यार YouTube से मेरी पेमेंट ही नहीं आ रही है तो एटलीस्ट मेरे को कोलैबोरेशन मिल रहा है, लेकिन वहां पर भी मेरे साथ में जब एक साथ में इतने इतने फ्रॉड होते हैं ना तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है। अब ये सिर्फ एक मैंने एक किस्सा बताया जो कि रिसेंटली हुआ है, उसके बाद भी मेरे साथ 2-3 बार ऐसे फ्रॉड हो चुके हैं कोलैबोरेशन से रिलेटेड, और उससे पहले भी हो चुके हैं, बट ये एक मेरे पास क्योंकि स्क्रीनशॉट थे, मैसेजेस थे, तो मैंने आपको इस चीज के बारे में बता दिया। अभी हाल ही में एक और मेरे साथ में ऐसे ही फ्रॉड हुआ था। देखो मेरा क्या है, मैंने टारगेट सेट करती हूँ हर महीने का कि मेरे को इतने तक के कोलैबोरेशंस करने ही करने हैं। एक ना नया कोलैबोरेशन है, मेनली तो पेड़ और बार्टर ही होता है, लेकिन एक कोलैबोरेशन और होता है, उसमें क्या होता है कि आपको ना प्रोडक्ट खुद से परचेज करना पड़ता है
और बदले में ना वो आपसे एक पिक्चर ले लेते हैं या फिर आप उनका अमेजोन पे रिव्यू अच्छा डाल दो, ये इस टाइप का कोलैबोरेशन होता है। क्योंकि मेरा टारगेट जो है महीने का मेरा सेट रहता है कि मतलब मेरे को इतने तक का कोलैबोरेशन करने ही करने हैं पूरे टोटल मिला के, तो पिछले महीने क्या था मेरा वो टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, तब मैंने जाके इस वाले कोलैबोरेशन को, जो मैं बता रही हूँ ना कि पैसे से अपना प्रोडक्ट खरीदना होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है जब आप उनका जो उनके डिलीवरेबल्स हो रहते हैं जैसे पिक्चर हो गई या रिव्यू हो गया, उसके बाद वो आपको पूरा रिफंड कर देते हैं, ये इस टाइप का एक कोलैबोरेशन होता है। इसका कुछ नाम भी है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो वाला कोलैबोरेशन था, तो उसमें बहुत फ्रॉड भी होते हैं क्योंकि आप प्रोडक्ट अपने पैसे से खरीद रहे हो, बाद में वो सामने वाला बंदा भाग जाए तो उसमें काफ़ी हाई रिस्क रहता है फ्रॉड होने का। लेकिन मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ था इस महीने कोलैबोरेशन का, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं कि अगर बाई चांस सामने वाला बंदा भाग भी गया तो एटलीस्ट मेरे पास प्रोडक्ट तो रहेगा ही ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं आया मेरे हाथ में, भले ही मैं पैसे दे के प्रोडक्ट खरीद रही हूँ पर एटलीस्ट बदले में मेरे पास प्रोडक्ट तो आ रहा है ना। तो मैंने ये सोच के मैंने वो वाला कोलैबोरेशन कर लिया। वो एक फूड का कोलैबोरेशन था, XYM कुछ करके था, मैं यहाँ साइड में दिखा दूंगी। उसमें मेरे को मैसेज आता है कि आपको खाने के 3 प्रोडक्ट खरीदने हैं और फिर उनका अमेजोन पे रिव्यू डालना है, इंस्टाग्राम पे आपको पोस्ट डालनी है एक, उसके 10 से 12 दिन के बाद आपको रिफंड मिल जाएगा उन सब प्रोडक्ट्स का। तो मुझे डिसेंट लगा, मैंने कहा चलो खाने का है, मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा 3 दिन तक, क्योंकि उसमें सब खाने के थे, रेडी टू ईट फूड था, दाल मखनी वगैरह ये सब चीज़ें थी। तो मैंने उसमें से एक दाल मखनी मंगाई थी, एक पनीर बटर मसाला ऐसे करके कुछ मंगवाया था और एक वाइट सॉस पास्ता मंगवाया था। तो मैंने ये 3 प्रोडक्ट मंगवाए थे और आप जाके चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, उनकी एक पोस्ट भी डाली हुई है, मैंने यम साइड कुछ करके प्रोडक्ट है 2 पोस्ट डाली हुई है, तीसरा तो फिर मैंने बताऊंगी आगे क्या हुआ था। तो ऐसे था उनका वो कोलैबोरेशन, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मेरा कोटा पूरा नहीं हुआ था उस महीने कोलैबोरेशन का, थोड़े कम कोलैबोरेशन हुए थे, तो मैंने कहा चलो ये इस टाइप का भी कर लेते हैं, वो भी ऐड हो जाएगा। तो वो मैं करती हूँ, पूरा पोस्ट डाल देती हूँ, रिव्यू दे देती हूँ अमेजोन पे। उसके बाद आती है पैसों की बारी। तो उन्होंने ना एक ग्रुप बनाया हुआ था, उसमें उन्होंने बहुत सारे बंदे ऐड किए थे, सबके साथ में कोलैबोरेशन किया होगा, तो वहाँ से मुझे एक रिफंड वाला फॉर्म भी मिलता है, उसे मैं फिल करती हूँ। लेकिन आज 2 महीने हो गए हैं और मेरा अभी तक कोई पैसा नहीं वापस आया है, कोई उन लोगों की तरफ से रिप्लाई नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया है। इवन उस ग्रुप से मेरी 3-4 बंदों से बात भी हुई है, तो सब बहुत गालियाँ दे रहे थे उन लोगों को कि वो पैसे लेके सबका भाग गए हैं, वो किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं। और एक तो लड़की थी यार, चलो मैं मेरे जैसे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है यार गया तो गया कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड के पैसे गए, लेकिन यार वो बेचारी लड़की ना कॉलेज गर्ल थी, उसका मुझे मैसेज आया कि दीदी आपके पैसे वापस आ गए क्या। मैंने बोला नहीं आए मेरे पैसे, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आपको ये पैसे आएंगे मेरे, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने हो गए हैं यार। जो जेन्युइन होता है ना वो 3-4 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है आपकी, क्योंकि वो मेरे साथ आज तक जिनकी आई है वो 3-4 दिन के अंदर आ जाती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन वहाँ पे 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं और वो सामने वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं ना कोई कॉल उठा रहे हैं, तो फिर मैंने उम्मीद ही छोड़ दी। मैंने कहा छोड़ो, बल्कि आशीष ने मुझे बोला भी कि यार तू कहाँ फंसती रहती है, तो मैंने बोला छोड़ो कोई नहीं, खाना तो हमने खा ही लिया। बट वो जो लड़की थी वो बेचारी बहुत परेशान लग रही थी, आई थिंक वो रो भी रही थी, वो बता रही थी मुझे कि दीदी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैंने अपनी पॉकेट मनी से वो अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे वहाँ पे। वो लड़की तो यार कंप्लेन तक करने के लिए बोल रही थी, कहती मैं तो कंप्लेन करूंगी लोगों की कंज्यूमर कोर्ट में। तो यार उन लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है जो नए हैं, बिगिनर हैं, जिनको नहीं पता है या जो मतलब इसी चीज पे ही बिल्कुल अपना चला रहे हैं, बेचारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं यार, इतने फंस जाते हैं वो लोग ना, इतने स्कैम होते हैं ना यूट्यूब में इन सब चीज़ों को लेके। तो सब लोगों को तो ऐसा लगता है कि यार बहुत आसान है, बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, ये मिल रहा है वो मिल रहा है, तो भाई इतना ईजी नहीं होता है। मुझे इतना पैसों का दुख नहीं होता है जितना ना मेरी मेंटल हेल्थ जो इफेक्ट होती है, मैं बहुत ओवर थिंकर हूँ, मैं कुछ होता है ना मैं फिर उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचती रहती हूँ, तो उन सब चीज़ों से ना मेरी हेल्थ बहुत इफेक्ट होती है। मैं पैसों का इतना रिग्रेट नहीं करती हूँ, मेरे अगर पैसे चले जाते हैं तो मुझे इतना दुख नहीं है, लेकिन उस सब चीज़ों से सोच सोच के जो मेरा दिमाग ख़राब होता है ना, मेरी जो मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है ना, उस चीज़ के लिए मुझे बहुत दुख होता है। गेमिंग वगैरह को लेके इतने फ्रॉड होते हैं आजकल, जो इतने गेमिंग के चल रहे हैं ना प्रमोशंस वगैरह, इनको लेके भी बहुत फ्रॉड होते हैं, बहुत स्कैम होते हैं। मुझे मेरी फ्रेंड लोगों से बात होती रहती है जो यूट्यूबर्स हैं, वो लोग बताते हैं कि ऐसे गेमिंग का प्रमोशन कराया फिर पैसे नहीं दिए ये वो,
बहुत चीजें होती है यार, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें बहुत संभल के चलना पड़ता है। अब यार पता भी तो नहीं चलता है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन फेक है कौन रियल है, कुछ नहीं पता चलता है, बस आपको अपनी सूझबूझ वहाँ पे दिखानी होती है। सो यार यही एक चीज थी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी, और आप लोगों को अलर्ट भी करना चाहती थी कि बच के रहें ऐसे स्कैमर से, ऐसे फ्रॉड लोगों से जो बस पता नहीं क्या ही करना चाहते हैं। सो या दैट्स इट फॉर द डे, दैट्स इट फॉर द वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इस चीज़ को लेकर बहुत जागरूक रहें, ठीक है। और हर तरीके के फ्रॉड से बचिए, बहुत फ्रॉड होते हैं आजकल दुनिया में ना, यूट्यूब को नहीं लेके और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके फ्रॉड होते हैं। सो या बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।